कल तो हम लोगों ने बेसिक ही किया था, ज्यादा किया नहीं था। देखो कल एक टॉपिक रह गया था अपना आज, जिसकी वजह से वो टॉपिक छोटा, वो बच्चा आया भी नहीं अभी जो था ना। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वैसे तो, अगर मानो तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, लेकिन अगर इसका पूरा प्रोसीजर देखोगे वो भी बहुत आसान है। तो जरूरी नहीं है कि मानो तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद करना ही है, अगर तुम नहीं करना चाहते तो रहने देना, ठीक है? ठीक है, मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई एक्स प्लस आयोटा वाई, और तुम्हें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है? तो क्या करोगे, इसको किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल मान लो। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो मान लो कि भाई ये ए प्लस आयोटा बी के इक्वल है, ठीक है? सपोज करो कि ये जो भी आएगा ए प्लस आयोटा बी आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करते ही आपके पास क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। अच्छा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा बताओ, रियल पार्ट अलग बताना और इमेजिनरी पार्ट अलग बताना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए आयोटा भी, यही बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद तुम लोगों को पता है क्या करना है, कल के क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग। रियल दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर दो। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और वाई किसके इक्वल आ गया, टू ए बी के, ठीक है? दो इक्वेशन बन गई आपकी। अब देखो जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो तो आपको दिया मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर जो एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ है ये दिया मिलेगा आपको कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकालो। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू भी दी मिलेगी, वाई की वैल्यू भी दी मिलेगी, ठीक है? तो इनका यूज करके आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? अब क्वेश्चन करेंगे उसमें देखना कैसे निकालते हैं। या तो डायरेक्ट चमक जाता है भाई, अच्छा हाँ ए इंटू बी इज इक्वल टू दिस है, तो वहां से मल्टीप्लीकेशन में अपने आप हिंट लग जाता है भाई ये दो नंबर्स रहेंगे। अगर मान लो हिंट नहीं लगता तो आप क्या करते हो, यहाँ से किसी एक ए और बी की वैल्यू निकाल के दूसरे की टर्म्स में यहाँ पुट करके निकाल लेते हो उसका आंसर, ठीक है? तो ए और बी निकल जाएंगे, और ए और बी आपका वहां ऊपर पुट कर देना, आपका क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है? ये बेसिक सा मेथड है, इजी है मेथड, ठीक यस है? मैम। चलो इसका निकालो फिर एक बार, 7 प्लस 7 माइनस 24 आयोटा। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, जब तुम पुट करके निकालोगे ना वैल्यूज, डायरेक्ट चमक रहा है तो ठीक है। इसको क्या निकालना है? इसका बेटा स्क्वायर रूट निकालना है, 7 माइनस 24 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या कह रहे हो बेटा तुम? मैम रियल पार्ट आएगा मैम 49 माइनस 24 का स्क्वायर, और मैम इमेजिनरी पार्ट आएगा 2 इंटू 24 अरे इंटू रे रे सेवन रुको, रूट में है ना ये, आपने स्क्वायर करके 24 का स्क्वायर कैसे कर दिया, ये रूट हटेगा, सॉरी स्क्वायरिंग उसके मैम ऊपर थोड़ी है। सॉरी मैम तुम मेरे को पूरा सॉल्व करके बताओ, ये रियल पार्ट और वो तो मुझे पता है, वो तो सब कर लेंगे। -625 -333 आया था किसका आया, क्या आया ये सिक्स? स्क्वायर करने के बाद। अरे तुम क्या करने लग गए, इसको ए प्लस आयोटा बी के इक्वल मैम मानना था क्योंकि सेवन, नेक्स्ट मैम सेवन रियल पार्ट आ रहा है मैम, और मतलब पुट करके मैम इस बार मैंने 20 बार की वैल्यू मैम -24 आ रही है मैम उसकी वैल्यू इमेजिनरी पार्ट की तो ये रियली। तो तुम लोगों ने दो ही स्टेप किए, पूरा निकालना था ना, ए और बी की वैल्यू निकाल के बतानी थी मुझे। देखो मैं बताती हूँ अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे। हाँ बेटा बोलो, जो भी प्रॉब्लम पूछनी है अगर गलती से हुआ तो फटाफट बोल दो। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी क्लियर। क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायरिंग करोगे तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, यही बनता है। इसके बाद क्या करते हो, रियल पार्ट के इक्वल रख दो, मतलब 7 इज इक्वल्स हो गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से 2ab की वैल्यू कितनी होगी, -24। तो बेसिकली यहाँ से ab की वैल्यू कितनी होगी,
माइनस 12, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7। अच्छा अब ए बी माइनस 12 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 है, तो एज्यूम मतलब इमेजिन कर सकते हो ए और बी क्या रहे होंगे। 12 देखते ही तो तुम लोगों को 4 और 3 याद आना चाहिए, आ रहा है ना? मतलब एक माइनस 4 ले लो, एक 3 ले लो, तो माइनस 12 आता है, मल्टीप्लीकेशन वहां पुट करोगे तो भी आंसर 7 आना है, ठीक है? या फिर 4 को पॉजिटिव ले लो, 3 को नेगेटिव ले लो, तो भी आंसर सेम आना है। मतलब तुम लोगों को यहाँ ही पे पता चल जाएगा कि ए और बी क्या है। एक बार अगर माइनस 4 ले रहे हो तो बी 3 आएगा, अगर एक बार इसको 4 ले रहे हो तो ये माइनस 3 आएगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लो तुम लोगों को नहीं चमकता ये, तो तुम्हें डायरेक्ट लग गया पता भी यहाँ पे ऐसे ऐसे है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लो। सपोज मैंने बी की वैल्यू निकाल ली माइनस 12 बाई ए, अब ये कहाँ पुट करोगे, उसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर, अच्छा बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ये हो गया प्लस 144 अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब कैसे करोगे इसको, ये तो डिग्री 4 में चला जाएगा, तो तुम लोग ऐसे केसेस में क्या करते हो, ए स्क्वायर को यहाँ पे टी पुट करो, ठीक है? जैसे ही ए स्क्वायर को टी पुट करोगे तो क्या बनेगा, t प्लस 144 बाय में t इज इक्वल्स टू 7, ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, t स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल्स टू 70, ठीक है? फैक्टराइज करो भाई इसको, ये हो गया t स्क्वायर माइनस 70 प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। बताओ t की क्या वैल्यूज आ रही है यहाँ से, 144 16 इंटू 9 पे जाएगा, उसको ऐड कर रहे हो तो 7 आ जाएगा, आ जाएगा t square minus 16t plus 9t plus 144 is equals to 0। यहाँ के क्या वैल्यूज आ जाएंगी t की आपकी, अरे आज मैंने फोन से ज्वाइन नहीं किया, बड़ी दिक्कत हो रही है, करो एक बार तुम, मैं फोन से ज्वाइन करती हूँ, बच्चों को एडमिट देना होता है, सॉल्व करो उसको एक बार। क्या आ रही है टी की वैल्यू, 16 और 9। तो अब देखो तुम इसमें से कौन सी वैल्यू ले सकते हो, टी किसको माना था तुमने, ए स्क्वायर को माना था ना, 16 और माइनस 9 आ रही। हाँ तो अभी इन दोनों में से भी तुम दोनों वैल्यूज नहीं ले सकते, ये बताओ कौन सी नहीं ले सकते। मैम माइनस 9 नहीं ले सकते, क्योंकि वो स्क्वायर क्वांटिटी मानी थी आपने, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू t माना था ना, तो t को आप नेगेटिव नहीं ले सकते, तो नेगेटिव वाली हट जाएगी, a की वैल्यू आएगी, ठीक है? अब t की वैल्यू पता चल गई, t से आपको a स्क्वायर मिल जाएगा, a स्क्वायर से आपको b मिल जाएगा। अब फाइनल आंसर बताओ फिर निकाल के क्या आ रहा है, -3 + 4 आयोटा, वो तो आंसर तो हमने वैसे देख लिया था, वही आएंगे पीछे जो हम लोगों ने वैसे ही डायरेक्टली देख लिए थे। सबका निकल गया क्या? हाँ मैम आ गया, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। यस मैम आ गया। ठीक है, यहाँ से आपकी टी की दो वैल्यूज निकली हैं, टी क्या निकला है, एक तो 16 और एक माइनस 9, ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपने बोला ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, तो नेगेटिव वैल्यू आप ले नहीं सकते, तो टी की वैल्यू आ गई 16, ठीक है? इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू है 16, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 4, ये ए की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना, आपकी दो वैल्यूज भी मिल जाएंगे, ठीक है? कर लोगे तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये है इसको लिखोगे कैसे, फिर ऐसे लिखा जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, दोनों नंबर बन जाएंगे तुम्हारे, प्लस वाला लोगे तो माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, और माइनस वाला लोगे तो 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है? क्लियर है मेथड, इसमें किसी को प्रॉब्लम है कोई, सिंपल है? यस मैम क्लियर है ना, तुम लोगों को यही चमक जाए, ठीक है? कितना टाइम बच गया देख लो, आधा आधा कभी आधा हो गया क्वेश्चन, अगर मान लो नहीं आता, बहुत ही रेयर केस में अगर नहीं आ रहा तो ठीक है आपको मेथड पता होना चाहिए भाई इस तरीके से हमें करना है, ठीक है? नेक्स्ट ये ट्राई करो क्वेश्चन, ये दे रखा है आपको, फाइंड जेड इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। अच्छा इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर बेशक जेड में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, लेकिन श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला आप लगाते हो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है? तो निकालो एक बार,
z की वैल्यू निकालनी है आपको, तो z निकालना आता है, फॉर्मूला लगा दोगे? यस यस यहाँ पर तुम्हारा जो अभी स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट पड़ गया है ना, वो काम आएगा, क्योंकि जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो डिस्क्रिमिनेंट वाली जो वैल्यू आएगी वो रूट में आएगी, तो वो वैल्यू तुम्हें पीछे वाला कॉन्सेप्ट यूज करके निकालनी पड़ेगी, तो इसका यूज हो रहा है, इस वजह से इसमें आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन। करो एक बार ट्राई। अच्छा अजय, ये तुम्हारा नंबर है क्या? तो मेरे पास है। अच्छा क्या हुआ अंजलि मैम? कर पा रहे हो क्या? कहाँ तक हुआ है बताओ। एफएम कर रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा पूरा करके छोड़ोगे? चलो बढ़िया है, करो करो। करा दूं क्या मैं स्टार्ट? देखो तुम कर लो एक बिल्कुल बार। करा जहां दो। भी जेड किसके इक्वल अब होता है अभी बेटा, करोगे? ऐसे तो अपने क्वेश्चन चार ही होंगे। जेड किसके इक्वल है? आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू। कितना चाह रहा है फॉर्मूला लगा दो। माइनस बी मतलब माइनस टू वन प्लस टू आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर टू वन प्लस टू आयोटा का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अच्छा ए सी के साथ भी माइनस है तो होगा इलेवन प्लस टू आयोटा, ठीक है, अपॉन में टू ए, यही बनेगा। अच्छा देखो एक चीज देखो, यहाँ पे जब तुम ये स्क्वायर ओपन करोगे तो टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा, और वन प्लस टू आयोटा स्क्वायर को भी ओपन कर लो। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। माइनस टू वन प्लस टू आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट फोर, ठीक है, इंटू में वन प्लस टू आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? फोर आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस फोर, ठीक है, ये हो गया माइनस फोर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू टू द फोर प्लस फोर आयोटा, ठीक है, यही बनेगा। प्लस में 44 प्लस में 8 आयोटा, या फिर यहां से भी एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई मत करो। क्यों? क्योंकि 4 का कॉमन लेके रूट ले लेना, कट ही जाएगा, वो इजी हो जाएगी थोड़ी कैलकुलेशन। इसको बाहर ही रखो, 11 प्लस टू आयोटा। अब देखो 4 यहां से बाहर ले लो, फिर रूट से बाहर चला जाएगा, 2 आ जाएगा, यहां पर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 है, इधर से भी कॉमन ले लूंगी, नीचे वाले 2 से कट जाएगा, समझ रहे यस हो? मैम। तो बचेगा क्या, सिर्फ माइनस वन माइनस टू आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट
यहाँ पर सोल्व करो क्या बनेगा, वन माइनस फोर प्लस फोर आयोटा, वन माइनस फोर प्लस फोर आयोटा, प्लस में इलेवन प्लस में टू आयोटा, तो ये तो बन गया सिक्स आयोटा, ये कितना बन गया ट्वेल्व माइनस फोर एट, ठीक है, तो ये बेसिकली एट प्लस सिक्स आयोटा बन गया। अब ये चीज तुम लोगों को पिछले वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करनी है, ये इसका स्क्वायर रूट निकालना है तुम्हें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने को बोल रहा है, बस ये निकाल लो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, पुट कर देना यहाँ पे। इसका निकाला किसी ने स्क्वायर रूट? देखो जब तुम कंपेयर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू आएगा एट, और टू ए बी आयोटा किसके इक्वल आएगा, सिक्स के इक्वल आयोटा नहीं, टू ए बी सिक्स के इक्वल आएगा, ठीक है, यही आता है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये क्या किया मैंने, पहले ऐसे लिया था रूट एट प्लस सिक्स आयोटा मैंने लिया, इसको मैंने ए प्लस आयोटा बी के इक्वल माना, फिर मैंने इसकी स्क्वायरिंग की तो एट प्लस सिक्स आयोटा किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी आयोटा, फिर मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब तुम यहाँ पे भी और भी सॉल्व कर लो थोड़ा, इसको थ्री के इक्वल आ गया, अब बताओ, अब ऐसे देखने में चमक रहेगा तुम्हें, ठीक है, तो ए की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस थ्री और बी की वैल्यू आएंगी दो प्लस माइनस वन, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया, कैसे लिखोगे उसको, प्लस माइनस थ्री प्लस आयोटा ऐसे लिखोगे, इसकी जगह ये लिख दो, तो देखो दो प्लस माइनस आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उसका, एक ही रखना वहां पर, तो ऑब्वियसली आपका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस थ्री प्लस आयोटा। अब इसको तरीके से लिख लेना, इमेजिनरी एक बार प्लस लेके देख लेना, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना, एक बार माइनस लेके कर लोगे आप, दोनों नंबर्स बता सकते हो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेंगे, दो बनेंगे, ऑब्वियसली बात है दो ही बने थे, क्वाड्रेटिक थी, जेड वन जेड टू बता दो, अरे अब कहाँ उलझ गए, टू माइनस आयोटा मैम ऑप्शन है, हाँ एक तो आएगा टू माइनस आयोटा, ये तो ठीक है, एक और भी आएगा ना, ये तो ठीक है, एक और भी आएगा, दूसरा लेके सॉल्व करो साइन, ये आएगा ठीक है, माइनस फोर माइनस थ्री आयोटा, देख लेना कर लोगे, क्वेश्चन समझ आया? यस 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 मैम, ठीक है चलो नेक्स्ट करो। अच्छा ये दो क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के हैं, सेम इस पे कॉन्सेप्ट है, कर लेना। ये बताओ बोल रहा है फॉर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू इफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल टू जीरो, अच्छा यहाँ पर इसका क्या मतलब है, मतलब जेड वन और जेड टू को मल्टीप्लाई किया होगा और फिर उसमें से उन्होंने रियल पार्ट लिया है, ठीक है, और वो इक्वल किसके है, जीरो की, इसका मतलब क्या है, जेड वन और जेड टू को उसने एड किया होगा फिर वहां से उसने अपना रियल पार्ट निकाल लिया और वो किसके इक्वल है, जीरो को, तो आपको बताना है इन एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, करो एक बार ट्राई करो भाई, अभी तो देखो Z1 Z2 तो आपको पता ही नहीं है, तो क्या करोगे आप, मान लो ना Z1 Z2, ऐसे तो कैसे assume करोगे कि real part क्या है, imaginary part क्या है, suppose Z1 को मान लो X1 plus iota Y1 और Z2 को मान लो X2 plus iota Y2, ठीक है, तो Z1 Z2 कल हमने सॉल्व किया था, याद हो तो तुम लोगों को Z1 into Z2 हमने मल्टीप्लाई करके देखा था, तो उसमें रियल पार्ट तुम्हें याद है क्या आया था, नहीं याद तो मेरे को एक बार इसको मल्टीप्लाई करके बताओ इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है, इसको याद ही कर लो, बट वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है याद करना, रियल पार्ट बताओ इसका फटाफट, x1 minus y1 y2, ये बोल रहा है कि रियल पार्ट है z1 z2 का वो ये है और ये इक्वल टू किसके है, जीरो के, z1 plus z2 का तो रियल पार्ट इजीली पता कर लोगे, इन दोनों को ऐड ही कर रखा है, इन दोनों को ऐड करोगे तो x1 plus x2 आएगा रियल पार्ट, ठीक है, तो ये बोल रहा है x1 plus x2 भी जीरो के इक्वल है, अब आपको ये बताना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बड़ा है जीरो से, z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, y1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 बड़ा है जीरो से, इसका इमेजिनरी पार्ट है y2, मतलब बेसिकली इनके साइन पे आपको कमेंट करना है कि y1 बड़ा है जीरो से, y2 बड़ा है जीरो से, y1 छोटा है या y2 बड़ा है, समझ रहे हो, तो अब कैसे निकालोगे, यहां से तो आपको क्या मिल गया x1 x2 is equals to y1 y2, ठीक है, मेरे को इसका साइन निकालना है, तो बेसिकली मेरे को इसका साइन पता हो जाए जो भी इसे, या फिर इसको इस तरीके से लिख लो y1 y2 is equals to x1 x2, इसका साइन पता करना है,
तो मेरे को राइट हैंड साइड का साइन पता चल जाएगा तो मैं थोड़ा आइडिया लगा लूंगी। मान लो भाई अगर राइट हैंड साइड में नेगेटिव आएगा तो मुझे इतना आइडिया हो जाएगा कि वाई वन और वाई टू अपोजिट साइन क्या है, बताओ है कि नहीं। अगर राइट में नेगेटिव आ गया, दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा नेगेटिव आंसर दे रही हो, कब देती है जब उन दोनों के साइन कैसे हो, अपोजिट, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग क्या करो, किसी भी एक की वैल्यू निकालो, एक्स वन की वैल्यू निकालो माइनस एक्स टू यहाँ पुट कर दो, तो वाई वन इंटू वाई टू क्या आ जाएगा, एक बात बताओ, माइनस एक्स टू का स्क्वायर आ गया, तो तुम्हें पता चल गया ये तो पॉजिटिव है, एक माइनस साइन है आगे, दैट मीन्स वाई वन इंटू वाई टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब 100% आपका, अगर वाई वन बड़ा है जीरो से तो वाई टू छोटा होगा, और वाई टू बड़ा है तो वाई वन छोटा होगा जीरो से, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया बेटा, ये दे रखा है इन्होंने रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू जीरो। जेड वन प्लस जेड टू निकालो, पहले जेड वन प्लस जेड टू निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस में आयोटा कॉमन ले लो वाई वन प्लस वाई टू, ये हो गया आपका जेड वन प्लस जेड टू। अब बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू निकालो, तो इसमें देख लो रियल पार्ट ये वाला है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट हो गया एक्स वन प्लस एक्स टू, ये उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्स वन प्लस एक्स टू जीरो के इक्वल आया, क्लियर है बेटा। आपका क्या डाउट था, कहाँ से प्रोडक्ट में, तो मैम प्रोडक्ट में तो हमने आयोटा को दिया था मैम, लास्ट वाली लाइन में माइनस एक्स टू का स्क्वायर के आगे क्या समझ नहीं आया। देखो मैंने क्या किया, यहाँ तक तो आ गया होगा तुम्हें समझ, ये तो मैंने इसको इधर ही शिफ्ट मारा। अब मैंने क्या किया है कि एक इक्वेशन मेरे पास ये थी, यहाँ से मैंने x1 की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई माइनस x2, ये वैल्यू मैंने x1 की जगह पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस x2 इनटू में x2, ये कितना बन गया माइनस x2 का स्क्वायर, ये एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है स्क्वायर नंबर है, और ये तुम्हें पता है वैसे भी रियल होते हैं x1 y1 x2 y2 रियल होते हैं, जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट तुम लोगों को पढ़ाया था, ये स्क्वायर है, इसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये तो पॉजिटिव है आगे नेगेटिव है, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव ही है। y1 into y2 दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ये कब हो सकता है, जब कोई एक पक्के से नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव हो गए तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, या तो y1 नेगेटिव है उस केस में y2 आपका पॉजिटिव होगा, y2 नेगेटिव है उस केस में आपका y1 नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देख लो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, यही तो था इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट वन, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन है क्या, हां 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 ओके, ठीक है। इसके नीचे भी था थोड़ा पार्ट, वो हट गया इसमें, क्लियर है, कर लोगे अब। एक बच्चा मल्टीप्लिकेशन का कोई डाउट नहीं, दो ऑप्शन है इसके आंसर, हां दो ऑप्शंस करेक्ट है बेटा इसमें, वो नीचे मिलता है तुम्हें ऑप्शन में, ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है या बी एंड सी, वो गायब हो गया इसमें, ठीक है। तो उसमें से तुम लगा देते देख के कि हां बी एंड सी करेक्ट है, ठीक है। मल्टी करेक्ट का था, मल्टी करेक्ट भी नहीं, उसमें ऑप्शन में एक्चुअली यू दे रखा था, देखो कहां चक्रों में पड़ गए, तुम आंसर से मतलब रखा करो ना, ऐसे दे रखा था ए एंड बी करेक्ट है, बी एंड सी करेक्ट है, सी एंड डी करेक्ट है, या ए एंड डी करेक्ट है, तो तुम लोग लगा दोगे एक ही हुआ, मल्टी करेक्ट तो कहां ही हुआ ही। ओके चले आगे, यस मैम। अच्छा ये मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर मान लो ए प्लस आयोटा भी लिखा हुआ है, ये मत दिमाग में रखना कि प्लस का सिर्फ माइनस ही होता है, जो भी साइन है ना आयोटा के आगे उसको बदलना होता है, अगर प्लस है तो माइनस में कर दो, माइनस है तो प्लस में कर दो, इसका कॉन्जुगेट बताना एक बार, नहीं बार मतलब बेटा कॉन्जुगेट का साइन होता है, ये कॉन्जुगेट का साइन है, अब अगर आप हाँ लगा दोगे ना साइन चेंज कर दोगे तो साइन हट जाएगा, अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा माइनस थ्री आयोटा, इसका बताओ माइनस थ्री माइनस जीरो आयोटा है नहीं, हाँ इसमें आयोटा है ही नहीं ना, तो यही रहेगा, ठीक है। अच्छा फोर माइनस फाइव आयोटा का बताना, ये तो कर लोगे, फोर प्लस फाइव आयोटा, ठीक है। और क्या बताओगे, इसका बताओ सेवन आयोटा माइनस टू का, ये जो प्लस बोल रहे ना बेटा, ये रियल पार्ट को आपको देखना ही नहीं है, माइनस टू माइनस सेवन आयोटा, हाँ माइनस टू माइनस सेवन आयोटा, या यू लिख दो सेवन आयोटा माइनस या माइनस टू, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू ध्यान रखना रियल पार्ट का साइन आपको चेंज नहीं करना। अब बच्चे मतलब समझ तो लेते हैं, बट जब क्वेश्चन आता है तो उनको लगता है अच्छा ये आगे था ये पीछे था, पीछे वाले के साथ हम लोग साइन चेंज कर देते, वो जल्दी जल्दी में याद नहीं रहता, कर देते हो तुम लोग ऐसी गलतियां, थोड़ा ध्यान रखना इनका, ठीक है। चले आगे, इतना ही था, इन्हें क्वेश्चन करो अब, ये ट्राई करो, चलो इसमें बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज होएगा, देखो अब एक बार कैसे यूज होएगा, दिख रहा है तुम्हें जेड की वैल्यू पुट करना, पावर फाइव है, वहां पे अप्लाई करो कॉन्सेप्ट,
बार बेटा कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है, जेड बार मतलब ये कहना चाह रहा है 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट बताओ, तो ये अभी पढ़ के आए हो तुम, क्या होता है 2 - 3 आयोटा। पहला स्टेप तो तुम्हारा डायरेक्ट ही है, जेड की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ रहा है देखो 2 + 3 आयोटा की पावर 5 प्लस में ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा की पावर 5। ठीक है, अब ये बाइनोमियल का क्वेश्चन बन गया बेटा, बन गया कि नहीं बन गया? इसमें कुछ टर्म्स कट जाएंगे, कुछ बचेंगी, कट कट कौन से जाएंगे वो देख लो, बचे हुए टर्म्स कट वाइज कर दो, ये ऐसे काम तुम करके आए हो, करके आए हो कि नहीं करके आए? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम लिख के देख लो, बताओ एक बार टर्म कौन से कटेंगे इसमें, ऑड वाले जहां पर आर की वैल्यू क्या होगी ऑड, जैसे तुम एनसीआर लिखते हो ना, ये आर की वैल्यू जहां जहां ऑड होगी ना वो वाली टर्म्स तुम्हारी कट जाएंगी, तो आंसर क्या बचेगा, जहां पर आर की इवन वैल्यू टर्म्स। इवन है वो वाली टर्म्स का ट्वाइस हो जाएगा, समझ रहे हो? अगर मान लो समझ नहीं आता किसी को तो उसको करके देख लो, क्या हो जाएगा 5c0 2 की पावर 5 प्लस में 5c1 2 की पावर 4 * 3 आयोटा प्लस में 5c2 2 की पावर 3 3 आयोटा का स्क्वायर 5c3 छोटा लिखना चाहिए था 2 की पावर 2 3 आयोटा का क्यूब और प्लस में 5c4 2 की पावर 1 3 आयोटा की पावर 4 प्लस में 5c5 3 आयोटा की पावर 5। ये तो आ गया आपका इसका एक्सपेंशन। ठीक है, सेकंड वाले का बस माइनस और प्लस में चेंज आएगा और कुछ नहीं है। 244 244, हाँ ठीक है बेटा आंसर। ये क्या हो जाएगा देखो, जो जहां पर आर की वैल्यू तुम्हारी ऑड आ रही है वहां पर माइनस साइन लग जाएगा, डायरेक्टली लिख दो इसको -5c1 2 की पावर 4। ये सबको समझ आ रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, माइनस क्यों लग रहा है, ऐसा कोई है जिसको इसमें डाउट है? नो मैम। ये 5c2 -5c3 2 की पावर 2 3 आयोटा की पावर क्यूब प्लस में 5c4 ठीक है ये बनेगा आपका, तो ये वाली टर्म्स तो गई आपकी, देखो ये गया और ये गया, अब जो बच गई वो दो दो बार लिखी हुई है तो मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ 5c0 2 की पावर 5 ओके प्लस में 5c2 2 की पावर 3 3 आयोटा का स्क्वायर और कौन सी बच गई, ये वाली 5c4 2 की पावर 1 3 आयोटा की पावर 4। अब ये तो सॉल्व कर सकते हो, आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां माइनस वन लिख देना, आयोटा की पावर 4 1 होता है, बस इसको अब वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना, आंसर तुम्हारा 244 आ जाएगा। कर लोगे ये वाला पार्ट? यस मैम। चले आगे, नेक्स्ट बताओ। जेड निकालना है आपको, तो जेड दे नहीं रखा, जेड मान लो, तो बेसिकली आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, तो पुट करो यहाँ पर, कॉन्जुगेट मैम लिखो पिछले उसका। क्वेश्चन का आंसर दिखा दीजिए एक बार। प्रतीक है क्या ये? ओके मैम। जेड माइनस वन इज इक्वल टू 3 आयोटा जेड बार, ये आसान है क्वेश्चन, तुम कर सकते हो वैसे, जेड की वैल्यू पुट करो, जेड बार मतलब कॉन्जुगेट निकाल के पुट करो, वहां से इक्वेशन बनेगी, बस उसको सॉल्व कर लो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर देना, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ निकालो, एक बार कोशिश करो निकाल पा रहे हो क्या।
एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री आयोटा जेड बार, मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा यहां से रियल पार्ट इकट्ठा कर लो, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लो, तो एक्स माइनस वन को अलग लिख लो और आयोटा वाई अलग लिख दो। यहाँ पे इसको सॉल्व करो, देखो थ्री आयोटा एक्स माइनस आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाना है आपका, तो ये बनेगा थ्री वाई माइनस थ्री वाई प्लस में थ्री आयोटा, माइनस वन बाई एट प्लस थ्री एक्स आयोटा, माइनस वन बाई एट, हाँ माइनस वन बाई एट थ्री एक्स आयोटा, नहीं बेटा इमेजिनरी में गड़बड़ है, इमेजिनरी में गड़बड़ है, आपका रियल पार्ट ठीक है। मैम यही आ रही है मैम वैल्यू, तो मैम ए की वैल्यू माइनस वन बाई एट आ रही है, मैम बी की वैल्यू माइनस थ्री बाई एट आ रही है। हाँ तो उसने इमेजिनरी अलग बोला ना, क्या बोला उसने माइनस, क्या एक बार फिर से बोलना बेटा आंसर। मैम ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई एट, ये पुट नहीं करी मैंने, हाँ वो वैल्यू ठीक बोल रही है तो उसने लास्ट में लिखने में गलती कर दी। वैल्यू ठीक है आपकी एक्स और वाई की, तो ठीक है यस मैम, एक्स को पुट किया है उधर पे मैम माइनस थ्री एक्स, मैम जैसे यहां से, हाँ मैं समझ गई बेटा क्या प्रॉब्लम थी आपकी। x माइनस वन इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा और y किसके इक्वल हो जाएगा, थ्री एक्स के इक्वल, तो अब तो ये दो इक्वेशंस बन गई, y की वैल्यू डाल दो, अरे रुको मेरा कहाँ गया, ये क्या कर दिया मैंने, y आएगा ना इधर माइनस थ्री y, ठीक है एक मिनट, माइनस आ रहा है ना, नहीं प्लस आएगा ना, प्लस आएगा ना y स्क्वायर, प्लस हो जाएगा और ये प्लस थ्री वाई आएगा, ठीक है y की वैल्यू थ्री एक्स पुट कर दो यहाँ पर, x माइनस वन इज इक्वल टू थ्री इंटू में थ्री एक्स, ये तो सिंपल ही होगा बिल्कुल, 9x इधर आ जाएगा आपका, तो x की वैल्यू होगी माइनस वन बाई एट, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री बाई एट, बस आ गया, ठीक है आसान था ये तो, माइनस वन बाई एट माइनस थ्री बाई एट आयोटा, ठीक है कर लोगे, चलो आगे। देखो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंजुगेट की, ये तो वैसे तुम कोई भी जनरल एग्जांपल लेके देख सकते हो, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो तुम्हें पता चल जाएगा, एक बार इनको नजरों से उतार लो, क्वेश्चन में यूज होनी है। भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट ले लिया और उसको दोबारा कॉन्जुगेट ले लिया फिर क्या बनेगा, मैम वही आ जाएगा, वही आ जाएगा, मतलब अगर जेड बार है और उसका दोबारा बार ले लिया, सपोज अगर एक्स प्लस आयोटा वाई की बात कर रही हूँ, तुमने इसका कॉन्जुगेट लिया पहले तो आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई, अब दोबारा से ले लिया तो एक्स प्लस आयोटा वाई, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए, जेड ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी तुम करके देख सकते हो, z1 x plus iota y ले लेना, z2 या यू ले लो z1 को x1 plus iota y1 ले लेना और z2 को x2 plus iota y2 ले लेना, पहले उनको मल्टीप्लाई करना फिर उनका कंजुगेट लेना, या फिर पहले अलग अलग दोनों का कंजुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई करना, आंसर सेम आएगा, मतलब क्या ये इसके इक्वल ही आएगा, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया फिर कंजुगेट लिया, राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया है, पहले नंबर्स का कंजुगेट लिया फिर उनको मल्टीप्लाई किया, आंसर दोनों का सेम आना, सेम आपका डिवीजन के साथ है कि ये ऊपर नीचे अलग अलग हो जाता है, ठीक है सेम आपका एडिशन के साथ है ये अलग अलग हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के साथ भी सेम है। क्या नहीं दिख रही स्क्रीन, नहीं दिख रही मैं, मतलब इसको कंजुगेट करके ऑपरेशन करो या फिर ऑपरेशन करके कंजुगेट करो, आंसर सेम ही आएगा। क्या आपका डाउट समझ नहीं आया बेटा, कौन बोल रहा है जो पीछे एक और बच्चा बोल रहा था, लिखा हुआ नहीं दिख रहा क्या मैम, अभी आ गया, अच्छा स्लो होगा थोड़ा, अभी दिख रहा है, अच्छा ठीक है ये बताओ मुझे, ये इम्पोर्टेंट है, z प्लस z बार, अगर मान लो z आपने ले लिया, क्या x प्लस आयोटा वाई ले लो, यहाँ तो z z की बात हो रही है, z बार क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, उन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ रियल पार्ट, मतलब 2x बचेगा, तो इसको आप लिख सकते हो Twice of real part of z, बताओ। Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है। ध्यान रखना ये property, ठीक है? और z minus z bar करोगे तो क्या आएगा? Twice of real part. Iota भी आएगा यहाँ, ध्यान रखना imaginary part of z, ठीक है? तो अगर मान लो मेरे को real part of z निकालना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? Z plus z bar by में 2. Yes ma'am. भाई मैंने ये नीचे कर दिया 2. ठीक है, और अगर मुझे इमेजिनरी, ये अभी मैं तीन क्वेश्चन कराऊंगी आगे, उसमें यही दोनों फॉर्मूले यूज होने हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है उसको मैं लिख सकती हूँ जेड माइनस जेड बार अपॉन में टू आयोटा, ठीक है। अब मान लो तुम्हें कोई यूं कह दे जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू जीरो, इससे तुम क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, इमेजिनरी पार्ट जीरो है, नहीं नहीं और रियल पार्ट जीरो है,
जेड प्लस जेड बार आपका इक्वल है टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ये है टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ये आपने बोल दिया जीरो के इक्वल है, दैट मींस तुमने क्या बता दिया, जेड का रियल पार्ट जीरो है, दैट मींस जेड कैसा है, प्योरली इमेजिनरी, समझ आई बात, ठीक है, तो वो तुम्हें क्वेश्चन में यूं दे देगा कि इसका ये प्योरली इमेजिनरी है, तो तुम्हें चमक जाएगा क्या कि z plus z bar is equal to zero रखना है, समझ के जाना चाहिए अब तो। Yes ma'am. एक लास्ट प्रॉपर्टी और रह गई आपकी, ये देखो ये भी आप इजीली प्रूव कर लो, z स्क्वायर के साथ प्रूव कर लो, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, z इंटू में z का बार, अब ये आप पढ़ के आए हो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, z बार इंटू में z बार, ये क्या हो जाएगा, z बार का होल स्क्वायर, मतलब बार ऊपर चला गया पावर अंदर आ गया, ठीक है, क्लियर है, जेड की पावर सॉरी जेड बार की पावर एन हो जाएगी, पावर अंदर थी बार ऊपर था, बार अंदर आ गया पावर ऊपर चलेगी, प्रूव कर दिया मैंने, देखो जेड स्क्वायर ले लिया, सपोज मैंने एन की वैल्यू टू ले ली, तो जेड इंटू जेड होता है जेड स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लिया मैंने, जेड वन इंटू जेड टू का बार होता है जेड वन बार इंटू जेड टू बार, तो यहाँ पर जेड इंटू जेड का बार क्या हो जाएगा, जेड बार इंटू जेड बार, तो ये ओवरऑल आपका क्या हो गया, जेड बार का स्क्वायर, ठीक है, तो पावर ऊपर चली गई और बार अंदर आ गया, ठीक है, कर लोगे? Yes, ma'am. Yes. चलो क्वेश्चन करो इसके, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका, इफ मॉडुलस, अच्छा मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है भाई बताओ, मैम जब पॉजिटिव होगा तो प्लस एक्स ओपन होगा और नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स, मतलब अगर एक्स, देखो मॉडुलस का अगर अब उसके लिए मेरे को पहले तुम्हें कार्टेशियन वो समझाना पड़ेगा, अच्छा एक बार के लिए ना तुम ये रिजल्ट ध्यान रखो, अभी मैं आगे बताऊंगी कि z into z bar क्या होता है, mod of z का square, बस एक बार ये ध्यान रखो, आगे हम प्रूव करेंगे इसको, कहीं तुम्हें ये दिखे तो ये यूज कर देना, अच्छा एक और चीज मैं बता देती हूँ कि x plus iota y का अगर तुम्हें मोड मॉडुलस निकालने को बोल दे तो ये होता है, ठीक है, इसको हम देखेंगे कि आया कैसे है, तो यहाँ से तुम ये रिजल्ट अब निकाल सकते हो, x plus iota y is equal to होता है अंडर रूट x square plus y square, ये है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो यहाँ कर दिया मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, तो एक बात बताओ मोड ऑफ जेड हो गया इसका होल स्क्वायर कर दिया, दैट मींस वहां जो राइट हैंड साइड लिखे हुए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बस, यस मैम, अब एक बार लेफ्ट हैंड साइड तुम जेड इनटू जेड बार करके देखो यही आएगा, ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई इनटू में एक्स माइनस आयोटा वाई, यही आएगा, ठीक है, तो यहाँ से ना ये निकल जाएगा रिजल्ट, एक बार के लिए इसको ध्यान रख लो, बाकी आगे मॉडुलस पढ़ना ही है, उसमें मैं बता दूंगी तुम्हें ये आई कहाँ से है चीज, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, प्रॉपर्टी लग रही है, मॉडल ऑफ जेड वन दे रखा है, ये ओमेगा या डब्ल्यू कुछ भी मान लो, उसको जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन दे रखा है, ठीक है, देन रियल पार्ट ऑफ दिस बताना आपको, रियल पार्ट ऑफ दिस बताना है, रियल पार्ट कैसे निकाल सकते हो, अभी पीछे पड़ के आए हो, जेड में जेड बार एड कर दो और उसको डिवाइड बाय टू कर दो तो रियल पार्ट ऑफ जेड निकल जाता है, जेड में जेड बार एड कर दो और टू से डिवाइड कर दो, ये होता है रियल पार्ट ऑफ z, तो अगर मुझे इसका रियल पार्ट निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ध्यान से देखना, z को मैंने रिप्लेस कर दिया, अब ये तुम निकाल सकते हो, z माइनस वन अपॉन में z प्लस वन प्लस में वन बाय टू तुम बाहर ले लो, z माइनस वन z प्लस वन ये हो जाए, अच्छा ये क्या हो जाएगा ये बताओ, ये बेसिकली तुम ऐसे लिखोगे z माइनस वन अपॉन z प्लस वन का बार, अब मैंने बताया था डिवीजन में है तो अलग अलग चला जाएगा बार, इस पे अलग चला जाएगा और इस पे अलग चला जाएगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी, देखना ये वाली होगी, अलग अलग चला गया, अब नेक्स्ट में ये वाली लगेंगी, प्लस में है तो अलग अलग कर लो, माइनस में है तो भी अलग अलग कर लो, तो कर लो यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पर माइनस में है तो अलग अलग हो जाएगा जेड बार माइनस वन, नीचे भी अलग अलग हो जाएगा जेड बार प्लस वन, तो ओवरऑल आपका ये बन गया जेड बार माइनस वन अपॉन में जेड बार प्लस वन, अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, एलसीएम लोगे, जैसे ही एलसीएम लोगे तो देखो ये मल्टीप्लाई होएगा इसके साथ z बार प्लस वन के साथ और ये जाएगा आपका z प्लस वन के साथ, ठीक है, ये आपका बन गया z प्लस वन z बार प्लस वन, इतना समझ आया, इसमें किसी को डाउट है कोई? Yes, ma'am, clear. अच्छा मुझे लगा हूँ ऐसे बोल रही है, इसमें डाउट है, ठीक है, अभी देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है, मल्टीप्लाई करोगे तो z z बार प्लस z माइनस z बार माइनस वन प्लस z बार z प्लस z बार माइनस z माइनस वन, ठीक है, अपॉन में z प्लस वन z बार प्लस में वन, कुछ कट रहा है क्या, देखना ये गया आपका और ये भी गया, ठीक है,
जेड बार जेड लिखा हो या जेड जेड बार लिखा हो, एक ही बात है. तो ये तो ट्वाइस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा आपका, माइनस टू. तो ये बन गया आपका बेसिकली. ठीक है, बन गया कि नहीं? अच्छा, मुझे रियल पार्ट निकालना था. अब बताओ, जेड बार का ट्वाइस. हाँ, ट्वाइस होगा. ठीक है, टू कॉमन लो, कट जाएगा जेड जेड बार, माइनस वन बचेगा. आगे बताओ कैसे करूँ. सॉल्व कुछ दे रखा है आपको, मैंने बोला था तुम लोगों को ये मेरी याद है. जेड प्लस वन जेड बार प्लस वन. हाँ हाँ लिख लो उसको, लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारा ऊपर जीरो क्रिएट हो जाएगा, मैंने इसलिए नहीं लिखा था वो. जेड बार प्लस वन, मैंने तुम्हें बोला था जेड जेड बार क्या है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर. मोड ऑफ जेड वन है तो जेड जेड बार क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. Yes, यहाँ से टू कॉमन लेके तुमने काट दिया था तो ऊपर सिर्फ ये पार्ट बचा था, तो यहाँ पे तुमने इसको भी वन बता दिया, तो वन माइनस वन जीरो हो गया. ऊपर तो नीचे कुछ भी लिखा हो जीरो ही आना आंसर. ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा है बस, और हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है. क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ. नो मैम, नो डाउट. तो एक बार नेक्स्ट देखो. अब बोल रहा है कि ये जो है प्योरली इमेजिनरी नंबर है, अब इसमें क्या यूज करोगे? प्योरली इमेजिनरी नंबर कब आता है? नहीं बेटा, भी पीछे पड़ के आयो ना. इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब z प्लस z बार जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि z प्लस z बार होता है रियल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, वो जीरो के इक्वल हो गया, मतलब रियल पार्ट जीरो के इक्वल हो गया, तो बचेगा क्या फिर आपका? प्योरली इमेजिनरी. ये कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर. तो जेड प्लस जेड बार हैंड्रेस किया है क्या किसी ने? रितिका ने किया है. बोलो रितिका बेटा. देखो करो एक बार सॉल्व, अब एलसीएम ही लेना तुमने, इसमें भी आंसर आ जाएगा. इस बार तो राइट हैंड साइड जीरो दे रखे, डिनोमिनेटर वाला तो भेज देना उधर राइट हैंड साइड में, बचेगा न्यूमरेटर, वहां से तुम्हारे पास सीधी से निकल जाएगी जेड जेड बार की वैल्यू. करोगे या मैं करा दूं सीधा? कुछ कह नहीं सकते. देखो जेड क्या है, जेड बार क्या हो जाएगा? देखो मैं डायरेक्टली कर दूं, जेड बार इसका बार लोगे फिर ऊपर नीचे अलग अलग बार जाएगा, फिर प्लस माइनस में भी अलग अलग टूट जाएगा, तो बेसिकली ये बनेगा, ये यही बनेगा. ठीक है, पीछे करके आए हो, यही चीज है. एलसीएम लोगे, अच्छा ये जीरो के इक्वल है क्योंकि प्योरली इमेजिनरी उसने बोला हुआ है. मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, जेड जेड बार प्लस में जेड माइनस जेड बार माइनस वन प्लस में जेड जेड बार, ये हो गया माइनस जेड प्लस जेड बार माइनस वन. ठीक है, ये आपका पोर्शन गया, ये भी आपका पोर्शन गया, बच क्या गया ऊपर? जेड जेड बार ट्वाइस माइनस टू अपॉन में जेड प्लस वन, जेड बार प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. टू कॉमन ये माइनस है, इसको भी भेज दो उधर, टू कॉमन लेके भी भेज दो. बच क्या गया? सिर्फ इतना पार्ट बच गया. तो यहाँ से जेड जेड बार की वैल्यू कितनी आ गई? जेड जेड बार ही निकालना था आपको. ठीक है, यस मैम, सबको क्लियर है? एक और है इस पे क्वेश्चन, अब उसका तुम डायरेक्ट निकालो, मैं बताऊंगी नहीं उसमें लगना क्या है. मैम एक क्वेश्चन, चलो कुछ नहीं मैम. आपको ये दिखाना है z2 is purely imaginary, क्या करोगे? अरे भाई अभी तो करके आए, पिछले वाला ये है, तुम z2 को प्योरली इमेजिनरी दिखा. यस मैम. तो मैम ये जो नंबर है मैम, इसकी वो जीरो होगा ना मैम, z1 z1 + z बार जीरो के बराबर होगा ना मैम? Z1 नहीं, अगर आपको Z2 को प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, Z2 प्लस Z बार जीरो. ठीक है, जिसको भी प्रूव करना है ना प्योरली इमेजिनरी, उसी का लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो अब तो ये सिंपल हो गया, बताओ एक बार करो एक बार, मतलब बताओ क्या. मैम एक बार पिछले वाला क्वेश्चन दिखाना. बस एक सेकंड मैम.
एक चीज देखी है, किसी ने नोट्स खोल के देखे भी थे क्या? अगर तुम लोगों के ग्रुप में भेजने को कोई फायदा नहीं है तो मैं बंद कर दूंगी, बिटली शीट में तो डालती हूँ मैं। कोई हो ऐसा जो देखता हो वहां पर ग्रुप्स में? मैम देखे थे। मैम हो गया मैम, अगला काम मैम दिखा दीजिए वापस क्वेश्चन। कर लोगे इसको? देखो करना कैसे है, z1 माइनस 1 अपॉन में z1 प्लस 1, प्लस में इसका बार लेना है। अब इसका बार लोगे तो पूरे का बार आएगा, ऊपर नीचे जाएगा बार, फिर माइनस वालों के साथ अलग अलग जाएगा, तो बेसिकली ये बन गया z1 बार माइनस 1 अपॉन में z1 बार प्लस 1। ठीक है, ये आपको जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इक्वल टू जीरो मत लिखना, जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। अब इसका एलसीएम ले लो, तुम्हें पता चल जाना चाहिए ऊपर जीरो बन गया। हाँ ये वही है, पीछे वाला ही है, उसमें तुम लोग z1 इज इक्वल टू मोड z का स्क्वायर लिखते हो, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है तो वहां 1 पुट कर देना, उसकी जगह 0 हो जाएगा। कर लोगी? ऐसे नहीं करे, चुप कर लेंगे मैम। यस मैम हो जाएगा। यस मैम। माइनस 1 प्लस z1 बार z1 कितना हो गया ये, माइनस z1 प्लस z1 बार माइनस 1। ठीक है, क्या क्या कट गया देखो, ये गया मतलब ये भी गया, ये बचेगा ऊपर 2 z1 बार माइनस 2, यहाँ से 2 नीचे वाला मैं लिख नहीं रही, यहाँ से 2 कॉमन लेना तो अंदर बन गया z1 बार माइनस 1। अब z1 बार क्या है आपका, क्या है z1 बार इज इक्वल टू मोड z1 का स्क्वायर, मोड z1 दे रखा है 1, इसका स्क्वायर करोगे 1 ही आना है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्या प्रूव कर दिया आपने, z2 प्लस में z2 बार 0 के इक्वल प्रूव कर दिया, इसका मतलब z2 कैसा है आपका, प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, चले आगे। यस मैम। नेक्स्ट बताओ, देखो ये अच्छा है क्वेश्चन, अभी आया है, अभी तो नहीं 3 साल हो गए, 2020 में आया था। आपको बताना था इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कैन बी, या मतलब बेसिकली आपको इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो एक चीज देखो, यहाँ पर एक ही चीज की ऑब्जर्वेशन है कि अगर मान लो आपको ये लिखा हुआ है 2 + 5i / 10 और साथ में लिखा हुआ है 2 - 5i / 10, तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये पूरा ना कॉन्जुगेट, मतलब ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एक दूसरे के, कोई जस्टिफाई कर सकता है इस बात को भाई, कैसे है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, मैंने प्रॉपर्टी यूज की है कोई कंजुगेट की, मुझे कंजुगेट चेक करना है तो मैं क्या करती हूँ भाई, इसका कंजुगेट निकालूंगी तो ऐसे ही होएगा। फिर मैंने एक प्रॉपर्टी तुम्हें बताई थी, बार अंदर चला जाएगा पावर बाहर चली जाएगी, तो ये हो गया 2 - 5i / 10, तो यही आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो चीज है और ये जो चीज आपस में कैसे है कंजुगेट एक दूसरे के, तो यहां से एक रिजल्ट आएगा। यहां पर क्या आएगा बताओ, देखो तुम क्या कर रहे हो, जेड के अंदर जेड बार एड कर रहे हो, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर आता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, लेकिन हाँ यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी वही सीन है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये जो है और ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। ठीक है, कॉन्जुगेट है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर सब्ट्रैक्ट होता है जेड माइनस जेड बार, तो उस केस में क्या होता था, आंसर क्या आता था, 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तुम्हारा आंसर याद आता 2i, ये आयोटा वाला आया भाई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब z क्या है यहाँ पर, ये तुम्हारा z है अंदर वाला, ये तुम्हारा z बार है। ठीक है, कर लोगे क्या अब इसको क्वेश्चन को? Yes, ma'am. ठीक है, अब तुम्हें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकालना है, वो तो तुम लोग अब स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन करके आए हो, वहां से निकाल सकते हो। अच्छा ये पूरा z है, 1/2 भी आने हैं, पावर भी आनी है उसमें, कहीं अंदर वाला सोच लो, पूरा ही z है ये है पूरा z, और ये क्या है z बार, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकालना, मतलब ये क्या पूछ रहा है, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालो पहले, तो उसके बाद उसके अंदर 2i मल्टीप्लाई कर देना, 3 + 2 ये कितना हो जाएगा, यहां से बाहर इमेजिनरी पार्ट 6 रूट 6 आयोटा बनेगा। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो इसके इमेजिनरी पार्ट के लिए पहले तुम्हें इसको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, तो वो अब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होएगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट निकालने वाला कॉन्सेप्ट, a प्लस आयोटा b लिखते हो उसका स्क्वायर करते हो, बता सकते हो तुम लोग मुझे a और b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? मम्मी स्क्वायर रूट क्यों निकालेंगे मैम,
बेटा ये पूरा जेड है, तो जब मैं यहाँ जेड का इमेजिनरी पार्ट निकालूंगी तो पूरा जेड लेके सॉल्व करूंगी। अब इसका इमेजिनरी पार्ट तो तभी निकाल पाऊंगी जब मुझे इसकी वैल्यू पता हो क्या होती है। अब रूट में तो मैं कैसे इमेजिनरी बताऊंगी ना। यस मैम आगे समझ में आ गया, आ गया। एक बार मेरे को यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकाल के बता दो क्या आ रही है। पहले तुम स्क्वायरिंग करोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर देना। अगर नहीं चमकता, चमकेगा भी नहीं, मुश्किल है यहाँ चमकना, रूट में जाएगा कुछ तुम्हारा, और तो नहीं चमकता तो एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में इक्वेशन में पुट करके वहां से निकाल देना। इतनी देर का काम नहीं हो। स्क्वायरिंग करोगे तो 3 + 6 रूट 6 आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 AB आयोटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया 3 के इक्वल और 2 AB आ गया 6 √6 के इक्वल। यहाँ से ए बी आ जाएगा आपका 3 √6, ठीक है यही आएगा। या तो एक काम करो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू निकाल लो √3 sorry 3 √6 बाय में ए सॉरी बी, तो ये हो जाएगा 3 √6 बाय में बी का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पुट करके ए की वैल्यू निकाल लेना। अब कर लोगे ना आगे तो सिंपल है। यस मैम, जब इसका वो आ जाएगा मैम, जब नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर सीधा आ जाएगा फिर मैम उसके बाद। कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसमें आप इमेजिनरी पार्ट देख लेना। इसने बोला है 2 iota into imaginary z निकालना है आपको, इमेजिनरी पार्ट इसमें देख लेना, जो भी तुम्हारा बन रहा है उसको 2 iota से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ओके मैम, 6 √6 नहीं होगा ना सर, 3 √6 होगा ना, 64 का कहां बेटा 3 √6 क्यों होएगा, बाहर 2 भी तो लगा हुआ है, ये रहा 2। कभी मैं चाहता हूं पता है ये। अच्छा 3 √6 लेके आंसर सॉल्व कर दिया क्या, यही तो करते तुम कबाड़े। हां भाई हां सॉल्व कर दिया, इतनी जबरदस्त मैथ्स लगाते हैं ये। चलो ये बताओ, खैर मैं भी लगा देती हूँ कई बार, मैं 6 × 2 = 18 लिख देती हूँ, ये मेरी सबसे कॉमन मिस्टेक है, मैं ये कर देती हूँ जब मैं बहुत ज्यादा पढ़ लेती हूँ ना, या मतलब ऐसा कुछ होता है तो मैं ये काम करती हूँ, मैं ऐसे जाती हूँ ना। मैं अभी एडवांस है नहीं, आसान है क्वेश्चन, एडवांस में आया जरूरी नहीं मुश्किल है, इजी है क्वेश्चन। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये निकालना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये निकालना मुश्किल बात है क्या, इसको कैसे सॉल्व करते हो अंदर वाले को, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। पहले तो तुम लोग जेड की वैल्यू पुट कर देना, देखो जेड की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, अब ये ए है अल्फा है, ए है, ए एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस में बी और नीचे क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस में 1। इसका आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना, तो एक बार के लिए तो तुम्हें अंदर वाला सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, तभी तो इसका इमेजिनरी पार्ट बताओगे। अब उसके लिए तुम लोगों को पता है नीचे जो एक्स प्लस आयोटा वाई है इसमें क्या करोगे बताओ, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं मैम, x माइनस आयोटा वाई प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। नहीं, रियल पार्ट अलग रखो इमेजिनरी पार्ट अलग रखो, तभी तो फिर आप आयोटा वाले पार्ट के आगे माइनस लगा के उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है। क्या बोला था आपने, किसे बोलना, मैंने बोला था मैम, हां मैम यही बोला था मैम, x माइनस आयोटा वाई प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ ठीक है, फिर तो ठीक ही है, वही काम किया तुमने, ठीक है। यस ओके मैम, देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब तुम इसका कॉन्जुगेट लेते हो तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो बेसिकली तुमको इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई अपॉन में x प्लस 1, कैसे कर लेना माइनस आयोटा वाई। अब तुम मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है, नीचे से तो आयोटा गायब हो जाना है,
नीचे से आयोटा गायब हो जाएगा, मान लो कुछ भी पढ़ा है नीचे, नीचे क्या पढ़ा है वैसे बताओगे? नीचे तुम दिख जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, बट यहाँ माइनस में यहाँ पे आयोटा स्क्वायर भी आएगा आपका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? ऊपर जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो करो एक बार, ऊपर मेरे को सिर्फ इमेजिनरी पार्ट से मतलब है, वैसे रियल पार्ट तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, इमेजिनरी पार्ट से मतलब है, क्योंकि मैं अलग अलग कर लूंगी, इमेजिनरी को अलग और रियल को अलग, उससे इमेजिनरी पूछ रही। हाँ जी बताओ मैम, इसने बोला है कि मैम जो वाई है वो रियल नंबर है, और मैम इमेजिनरी इसने दे रखा है कि मैम जो इमेजिनरी पार्ट है मैम वो वाई के बराबर है, तो मैम इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए ना मैम जो आएगा? नहीं, यहाँ से जो इमेजिनरी पार्ट निकलेगा वो नंबर होता है, आई थोड़ी आता है उसमें, आई के साथ वाला देखते हो ना इमेजिनरी पार्ट को। समझ गया मैम, ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट बता दो एक बार मेरे को मल्टीप्लाई करके ऊपर, बड़ा सा आएगा बहुत। ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे आयोटा वाली टर्म्स इकट्ठी करके, आयोटा कॉमन लेके जो उसके साथ आ रहा है, मुझे उससे मतलब है बस। मैम बहुत बड़ा है मैम ये, कट जाएगा सब कुछ, कट जाएगा तुम्हारा, बहुत छोटा सा आंसर बचेगा, उसमें भी तुम्हारा ये आएगा क्योंकि इन्होंने दे रखा है, ये यूज होना है ये कहीं पे, इसलिए दे रखा है इन्होंने। जब तुम सॉल्व करोगे ना पता है क्या आएगा, वाई, हाँ यही बनेगा, ठीक है, ये बनेगा सिर्फ ऊपर, इमेजिनरी की बात कर रही हूँ बेटा मैं, ये इसके साथ रियल भी आएगा, रियल से मेरे को मतलब नहीं है, रियल वाले का तो कुछ करना ही नहीं ना, हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ कुछ आया होगा, ठीक है, इसको अलग कर लेना रियल पार्ट को डिवाइड में, ये प्लस में इसको अलग करोगे, इसके साथ आयोटा आया होगा डिवाइड में ये, तो मेरे को सिर्फ इमेजिनरी लेना था, तो मैंने ये रेड अपॉन व्हाइट वाला पोर्शन ले लिया। ये किसके इक्वल दे रखा है इन्होंने, वाई के इक्वल दे रखा है, और ए माइनस बी की वैल्यू तुम्हें वन दे रखी है, ठीक है, तो ये तो वन हो गया, और ये दे रखा है वाई के इक्वल, वाई से वाई गया, यहाँ से आपके पास x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी थी x की, ऑप्शंस गिवन थे उसमें से आपको आंसर निकालना था, तो यहाँ पर बताओ x की वैल्यू अब निकल जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस वन, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन था उसको टिक कर देना, कर लोगे, आसान था ये क्वेश्चन, इससे पहले पढ़ के आए हो? Yes, sir. एक बार मेरे को रूट आयोटा का वो बताना, स्क्वायर रूट, सॉरी रूट आयोटा स्क्वायर रूट, आयोटा का स्क्वायर रूट बताओ। मैम जीरो, जीरो क्या किया भाई? मैम बी की वैल्यू, मैम बी की वैल्यू वन है, इसमें ए तो है ही नहीं मैम, ए की वैल्यू जीरो, तो ए भी जीरो, टू ए भी जीरो, जीरो हो गया सब कुछ। अच्छा तुक्का मारा था पर लगा नहीं है ना, एक तो मेथड है तुम्हारा यही है भाई कि इसको ए प्लस आयोटा भी, या मान लो कुछ भी लिख लो, ए प्लस आयोटा भी लिखो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आयोटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी आयोटा, ठीक है, ये बेसिकली जीरो प्लस आयोटा है, यहाँ से कंपेयर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ जाएगी, टू ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, तो यहाँ से तुम लोगों की ए और बी निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी ना, ये तो करते आए हो, बोलो निकाल लोगे यहाँ से? यस मैम, यस मैम, ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला नोट कर लो जो शॉर्टकट है, वैसे तो देखो फॉर्मूले तो सारे याद रहते नहीं है, वैसे रह जाए बढ़िया बात है, मुझे सिंपल मेथड सही लगता है, स्क्वायरिंग करके, अब मान लो वो फॉर्मूला इतना बड़ा है तो उसको लिखने बैठोगे ना वहां पे उतना ही टाइम लग जाना है, प्रैक्टिस होगी तुम्हारी इसी में हो जाएगी। देखो अगर मान लो रूट ए प्लस आयोटा भी आपसे पूछा हुआ है, नोट डाउन कर लो इसको,
रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट जेड प्लस में ए बाय में टू प्लस आयोटा बी बाय में मॉड बी रूट में जेड माइनस ए बाय में टू। अब यहाँ जो लिखी हुई वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ए क्या है दिख रहा है आपको, ए क्या है, बी क्या है और जेड क्या है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है, उसका मॉड लेना है आपको। अभी वैसे मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से बता दिया मॉड कैसे लेते हैं, ए प्लस आयोटा बी का मॉड क्या होता है मैम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू अब तुम्हें ए गिवन मिलेगा बी गिवन मिलेगा, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हें रूट निकाला गिवन मिलता है उसकी वैल्यू पुट कर देना स्क्वायर करके, स्क्वायर रूट ले लेना तो वहां पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी ठीक है। अब मान लो इसी फॉर्मूले को यूज करके मेरे को रूट आयोटा की वैल्यू निकालनी है, बता सकते हो एक बार यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? अरे भाई ये ऐसे है ना, जीरो प्लस आयोटा, ए की वैल्यू तो जीरो है, बी की वैल्यू क्या है वन ठीक है, और मोड जेड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ आयोटा बताओ क्या होगा, मोड ऑफ आयोटा जीरो प्लस आयोटा का मोड पूछ रही हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये वन आ गया, इसका मतलब मोड आयोटा वन होना है। तो इसकी वैल्यू आपको पता चलती मोड जेड की वन, बी की वैल्यू वन, ए की वैल्यू जीरो, तो निकल जाएगा अब तुम्हारा अंडर रूट, पुट करना बस अब तो कुछ नहीं करना ठीक है। ये आपका शॉर्ट मेथड है, अगर मान लो आपको ये इजी लगता है तो आप ये कर लो, पर मेरे को लगता नहीं, सेम ही बात है, सेम बात वैसे ये उनके लिए है जिनको यहाँ पर ही चमक जाता है ना कि हमें वैल्यूज क्या लेनी है ए और बी की। तो दो लाइन का क्वेश्चन ही ऊपर वाला है और ये भी दो ही लाइन का ही लगा लो, फॉर्मूला लिखते हो याद तो रहता नहीं। तो मान लो अगर आपको ऊपर वहां पे वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा तो थोड़ा इससे दो चार लाइन एक्स्ट्रा आ जाएंगी, बाकी सेम है ठीक है। ये और कर लेना एक बार ट्राई, लिख लो यही क्वेश्चन है, माइनस टू प्लस टू रूट थ्री आयोटा इज इक्वल्स टू है प्लस माइनस ए प्लस बी आयोटा, देन ये होमवर्क है तुम्हारा, ए इज इक्वल्स टू वन, बी इज इक्वल्स टू रूट थ्री, बी ऑप्शन है आपका ए इज इक्वल्स टू वन, बी इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री, सी ऑप्शन है ए इज इक्वल्स टू माइनस वन, बी इज इक्वल्स टू रूट थ्री और डी ऑप्शन क्या है नन ऑफ दीज ठीक है। कर लोगे तीन क्वेश्चन छुड़वाए हैं, एक तो ये दिया है तुम लोगों को और एक स्टार्टिंग में मैंने ये दिया था, आ गया ये दिया है, देखो इसको कैसे करोगे, z की वैल्यू पुट कर देना दोनों तरफ क्यूब कर देना अपने आप पहुंच जाओगे यहाँ तक ठीक है। एक तो ये दिया था और एक आपको ये दिया था, अब इसमें क्या करना है देखो, 15x - 2y की वैल्यू निकालनी है आपको, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, तो कैसे करोगे बताओ तुम, वैसे ओरली बता दो, इसमें कुछ दिख रहा है तुम्हें, सॉल्व करना पड़ेगा ये, मतलब इसका स्क्वायर लिखोगे मल्टीप्लाई करोगे इमेजिनरी पार्ट को अलग करोगे रियल पार्ट को अलग करोगे कंपेयर करोगे वहां से x और y की वैल्यू आएगी फिर इसमें पुट कर देना तुम्हारे पास 15x - 2y की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। कर लोगे आसान था, इससे छुड़वाया था मैंने, बस उसमें तुम्हें इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है और कुछ नहीं करना। मैम इसको बस सिंपलीफाई तो करना है, हाँ इसीलिए तो तुम्हें दिया करने के लिए, तुम करोगे नहीं सिंपलीफाई है ना ठीक है, कर लोगे बस इतना ही रखते हैं, हो ही गया लगभग टाइम, बाकी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? नेक्स्ट बेटा परसों है मैम, जैसे